सो तो आज हम लोग बताएंगे टॉप 5 रीजन टू बाय रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। तो आज हम लोग बताएंगे रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 पांच रीजन की वजह से आप लोग बाय कर सकते हो। कौन सा पांच रीजन के बारे में बताएंगे, सारे कुछ कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। प्लीज यार, अगर चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बस ये वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करो। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बताएंगे रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 पांच रीजन की वजह से बाय कर सकते हो आप लोग एकदम इजीली। और ये जो बाइक का लुकिंग है ना, बहुत ही खतरनाक तरीके से लुकिंग देख सकते हो। साथ में टॉप स्पीड, माइलेज, प्राइस, सारे कुछ बहुत ही बढ़िया टाइप का देख सकते हो। तो आज हम लोग बताएंगे रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 टॉप 5 रीजन टू बाय। सबसे पहले बताएंगे पावरफुल लिक्विड कूल का इंजन। रॉयल एनफील्ड ने फाइनली गाइस बहुत दिन बाद यार लिक्विड कूल इंजन को लॉन्च कर दिया। और ये जो लिक्विड कूल का इंजन के अंदर बहुत ही पावर भी प्रोवाइड किया कंपनी, और मेरे को तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। नंबर 2 को लेकर बताएंगे तो पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम, क्योंकि ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया ड्यूअल चैनल एबीएस मतलब एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और ये बाइक के अंदर कंपनी एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया। जो डिस्क साइज को लेके बताएंगे तो सामने मतलब फ्रंट है 320 mm और रियर है 250 mm डिस्क साइज देख सकते हो। मतलब ब्रेकिंग कंट्रोल को लेके कोई भी चिंता मत करो, बहुत ही अच्छा खासा पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम देख सकते हो। नंबर 3 को लेके बताएंगे तो यहाँ पे बिग टायर साइज, सामने का टायर मतलब फ्रंट है 1/0x70x17 देखने मिलेगा और रियर टायर 150x60x17 देखने मिलेगा। मतलब बाइक का जो टायर साइज है ना, कंपनी बहुत ही ज्यादा मोटा टायर दे दिया एंड साथ में लुकिंग भी बहुत अच्छा ही लग रहा है। नंबर 4 को लेके बताएंगे तो ये बाइक के अंदर ऑल एलईडी सेटअप, जैसे डिजिटल एचडी कलरफुल मीटर, एलईडी हेडलाइट, प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर भी एलईडी एंड पीछे का टेल लाइट भी एलईडी, फुल एलईडी सेटअप के साथ यार ये बाइक को लॉन्च किया कंपनी। नंबर 5 को लेके बताएंगे तो वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये जो बाइक का प्राइस है ना 2.85 लाख ऑन रोड प्राइस इन इंडिया, और 2.85 लाख के अंदर कोई भी कंपनी इतना ज्यादा पावरफुल बाइक नहीं प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, हो सकता है बहुत सारा कंपनी कर रहा है, जैसे बजाज पल्सर NS 400, तो बट NS 400 के अंदर लुकिंग तो भाई बढ़िया अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, साथ में उतना ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिलेगा, मेरे को तो बेकार लगता है। सबसे जो बढ़िया जो बात है ना, ये बाइक का लुकिंग एंड फीचर्स को लेके बहुत बढ़िया फीचर्स एंड बहुत बढ़िया लुकिंग भी देख सकते हो। और मेरे को लग रहा है और एक सिस्टम है ये बाइक के अंदर कंपनी दे दिया मोनोशॉकर, एंड मोनोशॉकर की वजह से आपका जो बाइक का जो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा कम देख सकते हो साथ में। तो गाइस, अगर आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो के अंदर लाइक करो और अपने दोस्तों को बस वीडियो को जो शेयर करो। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।